आपके सामने कुछ मीनिंग्स लिखी हुई है, 6-7 मीनिंग्स लिखी हुई, उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं। सबसे पहले दे रखा है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब होता है जो लड़की की छाती होती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट। लड़की की छाती होती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट। लड़की की छाती को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। फिर आता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है लड़कों की छाती। लड़कों की छाती होती है उसको अपन बोलते हैं चेस्ट। क्या बोलते हैं? चेस्ट। लड़कों की छाती होती है उसको बोलते हैं चेस्ट। फिर आता है स्पिस्टर। स्पिस्टर का मतलब होता है कुंवारी लड़की। क्या होता है? कुंवारी लड़की होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिस्टर। कुंवारी लड़की को बोलते हैं स्पिस्टर। फिर आता है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का। कुंवारा लड़का होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैचलर। इंग्लिश में बोलते हैं बैचलर। फिर आता है ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है कि दूल्हा होता है। दूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम। बोलते हैं ग्रूम। फिर आता है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। दुल्हन होती है उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। इंग्लिश बोलते हैं ब्राइड। फिर आता है सेवन बाउ। सेवन बाउ का मतलब होता है सात फेर। जब शादी होती है जब अपन सात फेर लेते हैं उसको बोलते हैं सेवन बाउ, जिसका हिंदी वर्ड होता है सात फेरे। फिर आता है वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। जो सिंदूर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। फिर आता है मेट्रोमोनी। मेट्रोमोनी का मतलब होता है विवाह। विवाह होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोमोनी। फिर आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब होता है जो बारात होती है उसे अपन बोलते हैं प्रोसेसर। बारात को बोलते हैं।